प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते देखा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे मेरा मान घट जाए लेकिन मैं अपने भक्त का मान घटने नहीं देता हूँ। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि भगवान के दूत आए हुए थे, ऊपर से सर्वे कर रहे थे कि कितने भक्त भगवान के रहते हैं। भगवान ने उन भक्तों के नाम लिखकर नीचे भेजा, तो सभी भक्त आकर पूछ रहे हमारा नाम है, हमारा नाम है। तो एक और भक्त था वो भी पूछता था मेरा नाम है, तो हर बार उसका नाम होता ही नहीं था उस लिस्ट में जिसमें भगवान के भक्तों का नाम था। तो वो उदास हो जाता था, बहुत उदास हो जाता था। फिर एक बार फिर आए तो फिर वो सबसे पहले पूछता है जाकर कि मेरा नाम इस बार लिस्ट में आया है क्या, कि हाँ इस बार लिस्ट में आया है लेकिन ये वो लिस्ट नहीं है कि तुम भगवान के भक्त हो। तो फिर वो उदास हो जाता है कि ऐसा क्या कि सभी भगवान के भक्त हैं, मैं भी तो भक्ति करता हूँ तो मेरा नाम क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम दूसरी लिस्ट में है जिसकी भक्ति कृष्ण करते हैं, आपकी भक्ति श्री कृष्ण करते हैं। तो दोस्तों सभी ये सोचते हैं कि हमारी भक्ति में और उसकी भक्ति में क्या अंतर, कि वो भी भक्त है और हम भी भक्त हैं लेकिन हमारी भक्ति की सूची में नाम है और उनका कृष्ण का की भक्ति में, कि कृष्ण उनकी भक्ति करते हैं। तो दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख में भी मेरा सुमरण करता है, जो दुख में भी मुझे एक सेकंड नहीं छोड़ता, दुख में भी मुझे उल्टी सीधी नहीं सुनाता और सच में भी दुख और सुख में समान रहता है, मेरे पे विश्वास करता है, अविश्वास कभी भी नहीं करता है, मेरा सिमरन करता है, मेरे सिवाय किसी और से नहीं कहता, मेरे ही लिए रोता है, मेरे को ही नमस्कार करता है, मैं उसको कभी नहीं भूलता, मैं उसकी भक्ति करता हूँ, इस तरह से विश्वास रखिए। कभी भी दुख को आने के बाद दुखी मत होइए और सुख के आने के बाद श्री कृष्ण को मत भूलिए। दुख और सुख में एक समान रहने के कारण प्रभु अपने भक्तों की भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं। प्रभु भक्तों की कैसे भक्ति करते हैं, कैसे याद करते हैं, इसका प्रत्यक्ष महाभारत में हमें देखने को मिलता है, साफ साफ देखने को मिलता है। अभी सभी कहेंगे कि ये तो किससे कहानी है कि भगवान के दूत आए थे और लिस्ट बना रखी थी कि ये भगवान के भक्त हैं और कृष्ण इनके भक्त हैं। तो महाभारत में ये सब दिखता है कि हाँ श्री कृष्ण किनके भक्त हैं। तो जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए थे सहायता मांगने के लिए, दोनों ही सहायता मांगने के लिए गए। तो दुर्योधन तो सर की तरफ सोफे पर बैठ गया और श्री कृष्ण पैरों की तरफ बैठ गए पैर पकड़कर। तो जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन बैठा है। अरे पार्थ तुम आए हो भैया? तो दुर्योधन कहता है मैं भी आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। तो अच्छा क्या किस कारण से आए, तो हम आपसे सहायता लेने आए, पहले अर्जुन मांगेगा। तो इसमें भी ये देखिए कि वो भी श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने या प्यार से ही आया है कि श्री कृष्ण हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले अर्जुन मांगेगा। तो इसमें भी उन्होंने उन्हें बताया कि अर्जुन मेरा बहुत ही अनन्य भक्त है और किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से प्रेम करता है, निश्चल भाव है और सभी से प्रेम करने वाला है और कुछ किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकता अर्जुन, क्योंकि नर रूप में कृष्ण ही अर्जुन है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया पहले अर्जुन ही मांगेगा। तो अर्जुन ने कहा मुझे तो आप चाहिए कि, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की लेकिन मैं निहत्ता तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, मैं तुम्हारा रथ हाँकूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो दुर्योधन भी खुश हो गया कि वो तो सेना ही लेने आया था, उसको बिना शस्त्र वाले कृष्ण थोड़ी चाहिए थे, और उसको इतना यकीन नहीं था, उसको विश्वास ही नहीं था श्री कृष्ण पर। श्री कृष्ण तो उसी से प्यार करते हैं जो श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, और जो निश्चल होंगे, जो अनन्य भक्त होंगे, जिनको द्वेष नहीं होगा,
जिनको मोह ममता नहीं होगा, लालच नहीं होगा, वही श्री कृष्ण से प्यार कर सकता है। तो वो आ गए, जब उन्होंने आके दुर्योधन ने आके कहा कि पिता मैं उसने तो प्रतिज्ञा की श्री कृष्ण ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन ने तो उनको मांग लिया और मैंने तो उनकी नारायणी सेना मांग ली। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की उसी समय कि मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा कर ही रहूँगा। और ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी, फिर भी कोई नहीं, चुप रहा। जब युद्ध होने वाला हुआ, शुरू हो गया, तो पहले श्री कृष्ण अर्जुन को मोह हो गया था, तो उसका मोह खत्म करा। फिर जैसे युद्ध शुरू हुआ तो उन भगवान ने उनको गीता उपदेश दे के पांडवों की सेना अर्जुन को, तो अर्जुन का तो साहस बढ़ गया था, तो धुआंधार उसकी सेना को मार रहे थे, नष्ट कर रहे थे। तो दुर्योधन दुखी हो गया। दुर्योधन ने आकर पितामह से उकसाकर कहा कि पितामह आप कुछ नहीं कर रहे, अर्जुन का वध नहीं करोगे, आप पांडवों से बहुत प्यार करते हो, देखो हमारी सेना कितनी मर रही है, उनके पास सेना नहीं है तब भी, और हमारे पास नारायणी सेना है, सब तरफ से सेना ही सेना है, तब भी हमारा ही नाश हो रहा है, आप हमें हराना चाहते हो, आप अर्जुन से ही प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। इतना उकसा दिया कि पितामह बोले कि तो ठीक है, मैं आज अर्जुन का वध कर दूंगा। यह सोचकर उन्होंने धुआंधार वर्षा की बाणों की, तो अर्जुन ने एक दो बाण चलाते थे, ज़्यादा उन्होंने चलाया नहीं, क्योंकि वो अपने पितामह को का नुकसान मतलब मानना नहीं चाहते थे। फिर पितामह को गुस्सा आया, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, और ब्रह्मास्त्र निकाला, जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला, कृष्ण ने देखा तो कृष्ण को गुस्सा आया। तो श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, तो भगवान श्री कृष्ण से ये देख नहीं पा रहे थे कि अर्जुन परास्त हो रहा है और उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तो श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और दौड़ पड़े पितामह की ओर। जैसे ही पितामह ने देखा कि केशव रथ का पहिया लेकर मुझे मारने आ रहे हैं, तो पितामह ने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे फेंक दिया और बोले, आओ आओ मेरे प्यारे केशव, आओ माधव, मुझे मारो, आओ भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। तो ज्यों ही अर्जुन ने देखा और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण को रोका, प्रभु आपकी ये प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे कारण पितामह के लिए अस्त्र उठा लिया आपने, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा कोई नियम नहीं है, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी मेरे प्यारे भक्त पितामह, एक तरफ तू है मेरा प्यारा, एक तरफ वो है सबसे पहले मेरा भक्त है, एक तरफ मेरा भक्त पितामह और एक तरफ मेरा अर्जुन, तो मैं पितामह के लिए, पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूँगा, तो मैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ, और एक तरफ तुम हो कि युद्ध ही नहीं कर रहे, तुम मोह में फंस गए हो, कर्तव्य को भूल गए हो, पूरा भारतवर्ष धर्म के साम्राज्य स्थापना की आशा कर रहा है, सबकी आशा तुम पर है, तुम क्यों नहीं युद्ध कर रहे, तुम कमज़ोर पड़ गए हो, तुम धर्म की स्थापना नहीं होगी, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर मुझे ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पितामह, जब भक्त मेरे सामने आते हैं तो मैं किसी नियम में नहीं रहता, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, मैं अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ सकता, उनका प्रेम सच्चा होना चाहिए, और कहते भी हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ये सच है कि हमारे श्री कृष्ण जानते हैं कि हम कि मेरे भक्त कैसे हैं, मुझे अपने भक्त के लिए क्या करना है, कब क्या करना है, ये नहीं कि हम आज याद कर रहे हैं कि प्रभु आज हमें ये सुख दे दो, ये नहीं, जिस समय उस सुख की हमें ज़रूरत है उसी समय वो हमें मिलेगा। तो भगवान तो नियम को तोड़कर, विधि को विधान तोड़कर आ खड़े होते हैं, लेकिन समय आने पर, समय का ध्यान रखना चाहिए, इसका कब समय है, ये कब हमारे लिए उचित है, ये भगवान जानते हैं। तो जब भी हमारे पास दुख हो तो दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, और सुख में हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास सुख ही सुख है, और भक्त के प्रेम विश्वास के बढ़कर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उन पर विश्वास रखिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जब भी दुख होता है श्री भक्त मुझे याद करते हैं तो समझो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। और जब हम गीता को पढ़ते हैं तब भी कहते हैं, जो मेरी इस गीता को, अर्जुन को जो मैंने उपदेश दिए हैं, इसको सुनता है या पढ़ता है तो मैं उसके सर पर हाथ रखकर पीछे ही खड़ा होता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह से एक और भक्त की और इनकी है कि
जब शांति दूत बनकर आई थी, ये तो आपने देख लिया कि अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी और अर्जुन के लिए भी, अर्जुन को भी समझाया, गीता का उपदेश दिया सब तरह से। तो एक बार जब ये युद्ध होने से पहले ये शांति दूत बनकर आए थे, तब भी इनको पता था मेरा कोई भक्त मुझे बहुत याद कर रहा है, हर समय भक्त हैं विदुरानी का की, विदुर जी की वाइफ, वो कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, विदुर जी बहुत प्यार करते थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, त्याग दिया था विदुर जी ने कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बाहर चला जाऊँगा, युद्ध में मैं हिस्सा नहीं बनूँगा। विदुरानी हर समय कृष्ण है इस तरह से वो जाप करती थी। तो जब वो शांति दूत बनकर आए थे तो शांति दूत की जगह उन्होंने जंजीर डालने की कोशिश करी, दुर्योधन ने सुनी तो एक भी नहीं, तो 56 भोग लगाए थे। तो उन्होंने कहा था श्री कृष्ण हमारे पास 56 भोग हैं, आप हमारे घर भोजन करना, कि नहीं भोजन तो मैं वही करूँगा जहाँ मुझे कोई भक्त याद करता है, चाहे कुछ भी ना हो। मैं जिस, या तो भूखा होता है जब भोजन करता है, या बहुत प्रेम होता है जब भोजन करता है बिना भूख के, तो मैं वहीं करूँगा। तो उनको पता था विदुरानी याद कर रही, तो स्नान कर रही थी वो श्री कृष्ण नाम का, कृष्ण है इस तरह से स्नान कर रही थी, और कृष्ण बाहर खड़े होकर आवाज़ लगा रहे थे, काकी ओ काकी काकी, और वो सुन नहीं रही थी आवाज़ में। जैसे लगा उन्हें कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, वह तुरंत भागी, और जैसे ही वो आई तो उन्होंने देखा उनके थन पर वस्त्र नहीं थे, कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो तो मग्न हो गई श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर। और एकदम श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा उनको ढाक दिया और अंदर ले गई विदुरानी, और उनको अंदर ले जाकर देखा काका ने कि घर में तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो खाते हैं ये मिठाई, मावे की मिठाई खाते हैं, कलाकंद खाते हैं। तो विदुर जी बोले मैं कलाकंद लेने जा रहा हूँ और आप इन्हें जब तक फल वगैरह खिलाओ। तो काकी ने क्या करा, उल्टा उल्टी चौकी रख दी बिठाने के लिए, ऐसे उनके लिए पागल हो रही थी, ये हैं भक्त और भगवान की कथा, और वो उल्टे पे बैठने को तैयार। फिर पटला सीधा करके बिठाया तो उनको केले की जगह उनको गिरी तो नीचे डालती रही, छिलके खिलाती रही, छिलके उनको इतने प्यारे मीठे लग रहे थे। जब काका ने आगे देखा, अरे तुम भगवान क्या कर रही हो, तुम छिलके नहीं खिला, छिलके खिला रही हो, गिरी नहीं खिला रही, गिरी तो सारी नीचे पड़ी है, लो मैं इनके लिए कलाकंद लाया हूँ, कलाकंद का भोग लगाइए, ये देखो भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं। इसलिए दोस्तों विश्वास होना चाहिए, अब विश्वास कभी नहीं करना श्री कृष्ण के लिए। इसी कहानी के साथ श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे, दोस्तों फिर मिलते हैं।